Assalamu alaikum guys, how are you all doing? I hope that you all are doing well. This is Muneeb Tahir and welcome back to another video. तो यार मुझसे कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यू के बारे में, यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में आए. अच्छा, अपने इंस्टीट्यूशन के जो कि UET मर्दान है या UET है उसके बारे में तो मैंने अपनी एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. एडमिशन के प्रोसेस बताते साथ ही साथ मैंने बता दिया था कि किस तरह का इंटरव्यू होता है और क्या होता है. बट ये है कि फिर भी जो है कुछ मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मुझे कमेंट्स मिले कि इस यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में क्या होता है. इसे मैंने सोचा ये वाली वीडियो एक बना देता हूँ जिसके अंदर मैं एक जनरल आपको बता देता हूँ, एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया आपके जहन में आ जाएगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एडमिशन के बाद आपका जो इंटरव्यू होता है, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशन में वो स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी होता है, उसको स्क्रीनिंग इंटरव्यू कहा जाता है बिकॉज उसको पास किए बगैर जो है आप आगे नहीं जा सकते हैं. कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी होती है जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये इसके अलग से मार्क्स काउंट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल कायदे आज़म यूनिवर्सिटी और बाकी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं. हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि जो है अगर आप जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको कितना नॉलेज होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए. तो इस वीडियो के बाद आपके सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह जो है वो सॉल्व हो जाएंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इट वॉज बेनिफिशियल, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. लेट्स डाइव इनटू इट. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल यार अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू की ना, तो अभी तक मैंने जितना एनालाइज किया इंटरव्यूज को, स्पेशली यूनिवर्सिटी के जो इंटरव्यूज होते हैं या कॉलेजेस के, उसमें जो है ना दो तीन चीजें हैं, दो तीन डोमेन्स हैं जिसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट थ्री जो कि मुझे लगता है. उसके अलावा भी अगर जो आपके जहन में कोई आता है तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दे आर थ्री थिंग्स. एक आपका होता है करिकुलम, एक आपका होता है को करिकुलम, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, और थर्ड आपके पास आता है आपका उसके अलावा आपके पर्सनल क्वेश्चन, ठीक है, जो आपसे किए जाते हैं. अब करिकुलम की सबसे पहले बात करते हैं जिससे स्टूडेंट सबसे ज़्यादा डर रहे होते हैं. तो उसमें यार मुझे नहीं लगता कि वो इतने मुश्किल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो बंदा आंसर ही ना कर सके या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो. ठीक है, जो मेन हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें कोई भी मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बात कर लूँ तो नस्ट, प्यास एट्सेट्रा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, UET है, उनमें कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. UET में बस फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है इंटरव्यू की. इसी तरह और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें जो है कोई खास उसके नंबर वेटेज नहीं होती है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में. अब आते हैं सेकेंड चीज़ की तरफ. और कुछ कॉलेजेस हैं कि जो करिकुलम में जो है वो मतलब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन वो इतने नहीं होते. आप ऑलरेडी एंट्री टेस्ट अगर क्लियर करके आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि आप इस काबिल हैं कि आप इंटरव्यू में अपीयर हो सकें और इजीली इंटरव्यू को क्रैक कर सकें. सही है. अब आते हैं जो है ना उसके अलावा क्या क्वेश्चंस होते हैं. उसके अलावा आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप क्यों यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं. मेन क्वेश्चंस जो होते हैं, जो सब में जनरल हैं, वो ये होते हैं कि आप यूनिवर्सिटी क्यों आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ABC, वो कोई भी हो सकती है, ठीक है, XYZ, तो वो पूछेंगे कि आप XYZ यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हैं. इधर तो ABC यूनिवर्सिटी भी है, DEF यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, लाइक और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ये फील्ड करवा रही हैं. आप जो है हमारी यूनिवर्सिटी जो जिधर आप बैठे हुए इंटरव्यू देना, उसी में क्यों आ रहे हैं. ठीक है, तो यू हैव टू बी लॉजिकल, यू हैव टू बी इंटेलेक्चुअल. सही. और इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर बिल्कुल आप अपने से, बहुत से मैंने इस तरह की वीडियोस देखी कि जिनमें आपको आंसर्स बताए जाते हैं कि इसका आप ये आंसर दे दें इसका. तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जब भी इंटरव्यू देने जाएं, जब भी, तो किसी दूसरे का आंसर कभी ना लेके जाएं. क्यों? क्योंकि आपको पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया. इंटरव्यू में क्या होता है, आपसे काउंटर क्वेश्चन किया जाता है, तो आप वो बात करें कि जिसका आपको नेक्स्ट काउंटर क्वेश्चन का आंसर आता हो. ठीक है, आंसर देना पहले क्वेश्चन का वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन काउंटर क्वेश्चन का आंसर देना, इट मीन्स समथिंग. और ऐसा ही होता है, आप जिस तरफ इंटरव्यूअर को लेके जाएंगे उसी तरफ चला जाएगा. फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू को ज्यादा ले आए हॉबी की तरफ, ठीक है, अब हॉबी आपने लिखी हुई है कहीं से, यूट्यूब से या किसी ब्लॉग से पढ़ के, फॉर एग्जांपल मेरी हॉबी है रनिंग. सही है, अब उसके बारे में आपसे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है वो, और आपको अगर आप फंस जाते हैं, मसला हुआ कि नहीं, इसलिए जो है वो आंसर देने हैं. तो इस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. उसके बाद पर्सनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं. पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अबाउट योर पर्सनैलिटी, कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो है वो कौन सी करंटली बुक रीड कर रहे हैं, या आप आजकल क्या कर रहे हैं और आप क्या करना चाहते हैं, और क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेशन देती है,
आपका आपके पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, आपके घर में जो है आप कैसा माहौल आप प्रेफर करते हैं और कैसा माहौल है, और आप कितने ज़्यादा जो है वो फ्रैंक हैं अपने पेरेंट्स के साथ, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस। उसमें कोई खास साइकोलॉजी की कुछ चीज़ें होती हैं जो वो लोग चेक करते हैं, लेकिन ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं पूछी जाती। तो एट द एंड ऑफ द डे इन शॉर्ट ये कि इंटरव्यू के बारे में परेशान होने वाली कोई बात नहीं है और नर्वस होने वाली भी कोई बात नहीं है। ये है कि मैंने इस तरह से तैयारी की थी जब मुझे भी थोड़ा था कि पता नहीं इंटरव्यू होगा क्या पूछेंगे, तो मैंने खुद ही इधर उधर से वीडियोस देख के क्वेश्चंस वगैरह लिख के मैंने क्या किया था अपने बाबा को दिया था। मैंने कहा लेट्स सपोज यू आर इंटरव्यूअर और मैं उधर से आता हूँ तो आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट करें। तो अगर आपके फ्रेंड के साथ कोई ऐसा रिलेशन है या किसी के साथ है तो आप उससे इस तरह की छोटी सी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, यू नो आपको पता चल जाएगा आपको किस तरह से करना है। तो आई होप इट आंसर्ड ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट इंटरव्यूज। तो इन शॉर्ट ये कि डोंट वरी एंड बेस्ट ऑफ लक यार। ओके सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, लीव मी अ कमेंट कि मैं कैसी वीडियोज बना रहा हूँ, क्या बेहतरी आ सकती है। मोस्ट वेलकम एंड दैट्स ऑल। I will see you in my next video. Till then, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।